बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5:30। मुसफिरा को मैंने उठा दिया ताकि वह पेपर अच्छी तरह से रिवाइज कर ले। आज इसका उर्दू का पेपर है। इसको उर्दू थोड़ी मुश्किल लगती है, इसलिए मैंने आज इसे जल्दी उठा दिया कि ज़रा ये पेपर रिवाइज कर ले। मुआज सो रहा है, अफरा सो रही है, सिर्फ मैं और मुसफिरा उठे हैं। अभी आधे घंटे तक से अपना सारा पेपर रिवाइज कर लेगी, उसके बाद फिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी और फिर ये उठ के स्कूल जाएगी, है ना? तैयारी कैसी हो रही है? अच्छा से पेपर करके आएगी ना मेरी बेटी? वो ये नहीं करते बुरी बात। जिस चीज़ की टेंशन थी वही हुआ। आज मुसफिरा का उर्दू का पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मुसफिरा को उर्दू बहुत मुश्किल लगती है, इसलिए मैंने भी इसको डांटा और उसकी टीचर ने भी इसे डांटा। होप कि इसके अगले सारे पेपर अच्छे हों। दिखाओ तो सही, इधर देखो तो सही। ओ गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और ये है अफरा। अफरा को भी गुस्सा चढ़ जाता है जब अफरा को कोई डांटता है तो। है अफरा, टॉपी ने डांट दिया आपको? चलो चलो चले, अब हमसे पारा पढ़ने चले हैं। कल कौन सा पेपर है? कल है सोशल स्टडीज का पेपर। सोशल स्टडीज तो आती है ना आपको, है ना? आगे आए जरा, इधर आके बताए। सोशल स्टडीज की तो तैयारी मेरी बेटी की अच्छी है, बस उर्दू में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ऐसे। खैर कोशिश करते हैं कि वो भी अच्छी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। चलो चलो बस, अब हम सिपारा पढ़ने जा रही हैं, फिर आके हम करेंगे सोशल स्टडीज की पेपर की तैयारी। बैठ के पीते हैं बेटा। कोई डॉट नहीं है, क्या हो गया? चले वजू करें और फिर चले सिपारा पढ़ने। उधर ही वजू करेंगी? चलो ठीक है, फिर मदरसे में ही वजू करेंगी। चले मदरसे, चलो आप भी हाथ वगैरह धो, चलो शाबाश, फेस वॉश करो। ओके, इतना गुस्सा नहीं करते। चलो अब ऐड को मदरसे लेके जाती हूँ। अभी मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को मदरसे, और साथ ही मैं मुआज़ की साइकिल भी ठीक करवाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि इस साइकिल की भी चेन उतरने लग गई है। पिछली जो साइकिल थी उसके अंदर एंकल का इशू था, इसलिए उसकी चेन बार बार उतर जाती थी, लेकिन अब इस साइकिल की भी चेन उतरने लग गई है। तो मैंने कहा मैं इसको दोबारा टाइट करवा दूं, ये ना हो कि फिर ज़्यादा मसला हो जाए, और उसको साइकिल चलाने का बड़ा ही शौक़ है। तो अब मैं इसको साइकिल भी ठीक करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, देखती हूँ कि वो ठीक क्या मसला है उसके अंदर, कि वो उसकी चेन अब क्यों उतर रही है। हैं, फिर अब कल का पेपर कैसे देना है? गंदा। गंदा? ओ टीचर तो फिर कंप्लेंट करेगी मुझे। क्या कर लेगी? नहीं मेरी बेटी अब कल का पेपर भी अच्छा देगी। आज का पेपर तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन कल का पेपर तो अच्छा देगी ना। मामा दो पेपर तो अच्छे किए ना। हाँ बाकी अब सारे पेपर भी और अच्छे करने हैं। इंग्लिश का भी करूंगी। ओके चलो आओ फिर चले। अब चलो 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 आजो आजो मुस्कुराओ। देखो है अंकल, है अंकल।
भाई इसकी चेन उतर रही है बार बार, जा देखे टाइट होगी क्या होगा। क्या बताएं, अब मैं खाने लगी हूँ आइसक्रीम। मेरा आज आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो बच्चों की चीज़ के साथ साथ मैंने आज आइसक्रीम ले ली है अपने लिए। अब देखती हूँ आइसक्रीम मुझे बच्चे खाने देते हैं या नहीं खाने देते। हाँ जी, तो मुआज़ की साइकिल हमने ठीक करवा ली है ना मुआज़? हाँ जी। बस ये था कि इसके नट वगैरह लूज़ हो गए थे, इस वजह से इसकी चेन उतर रही थी, तो उसने सारे नट वगैरह इसके टाइट कर दिए। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।